डंकी दी सक्सेस पार्टी ते शाहरुख खान नू फैन मिले, इन्ने इमोशनल हो गए कि शाहरुख खान ने उस फैन नू अपने गल नाल ला लिया। उससे पहले कुछ मेरी फिल्में थी जो इतनी अच्छी नहीं गई, तो मुझे ये भी लगने लगा था कि मैं अच्छी फिल्में बना नहीं रहा हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल हुई तो हर किसी ने इस वीडियो नू बहुत ज्यादा प्यार दिता, तो शाहरुख दी इस गल नू लेके तारीफ भी की। प्यार था लोगों का, जो पठान के लिए, जो जवान के लिए, जो लड़की के लिए आए थे। दिस होल कंट्री एंड पीपल आउटसाइड दिस कंट्री फ्रॉम इंडिया। शाहरुख खान काफी लंबे समय तो इस गल नू लेके तरस गए सीगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया इंडस्ट्री दे विच। काफ़ी टाइम तो जिहड़ियां उन्हां दी फिल्मां नहीं चल रही सीगियां, हालांकि लोग प्यार करते हैं किंग खान के नाम के नाल फेमस ने, पर किंग खान भी किसी टाइम पर आके नैगेटिव हो गए से। इस सक्सैस पार्टी से उन्होंने वालों कुछ गल्लां दसियां गईयां जिहड़ियां कि बहुत ही मोटिवेट करन वालियां ने, क्योंकि शाहरुख खान दीआं जदों फिल्मां नहीं 33 साल इस इंडस्ट्री के उन्होंने काम करदे हो गए, तो फिल्मों पहला बहुत चलिया और उस तो बाद कुछ समय तक जिहड़ा फिल्मों के काम के भी गैप पिया, तो फिल्म ज़्यादा नहीं हुई, तो जिस नाल शाहरुख खान भी नैगेटिव हो गए। उन्होंने भी लगन लग गया कि मेरिया फिल्मों जोड़े क्यों नहीं पसंद किया जाता, या मेरे विच ही कोई कमी है, या मैं ही कुछ नहीं कर रहा। कह सकते कि नर्वसनैस उन्होंने आ गई कि उन्होंने फिल्मों क्यों नहीं चल रही है, पर जो सबर किया, थोड़ी मेहनत होर की, तो उस तो बाद साल 2023 के तीनों फिल्मां रिलीज़ हुई, तो तिने सुपर डुपर हिट हुई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़े। तो यह सक्सैस पार्टी शाहरुख खान के वालों की गई सी कि जिते फैनज उन्होंने मिलन के लिए आए, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिता उन्होंने फिल्म में, तो उस तो बाद इमोशनल होए तो शाहरुख खान ने उन्होंने गल नाल भी ला लिया। तो ये इस गल नू लेके मोटिवेशन की बनती हैगी, असी बहुत सारे लोग थक हार के बह जाते हैं, साड़ी कोई चीज़ नहीं चलती, असी सोचते हैं कि साड़ा असी काम नहीं कर पा रहे, लोग सानू उस तरीके दे नाल प्यार नहीं कर रहे। असी कोई भी लाइफ दे विच कोई काम करना है या सानू असी कोई बिजनेस भी करते हैं तो कई बार सानू लॉस हो जाता है। Because I've been working for 33 years and you take such a big gap, normally you do feel a little nervous and you feel ki are yaar, I hope I've got the film right. Usse pehle kuch meri filmein thi jo itni achhi nahi gayi, to mujhe ye bhi lagne laga tha ki main achhi filmein bana nahi raha hu. But I think more than my films, ek pyar tha logon ka, jo Pathan ke liye, jo Jawan ke liye, jo Danki ke liye, I think this whole country and people outside this country from India have actually taken me to their heart. More than the films and said ki are yaar 4 saal ke liye mat jaaya karo, 2-4 mahine theek hai. So I am very very thankful to all of you, to the audience and the whole world for making me realize ki jo main karta hu wo theek karta hu aur mujhe wo baar baar karte rehna chahiye.